बुखार आने लग गया, इसलिए फिर उन्होंने खुद से टेस्ट करवाया तो उनका पॉजिटिव आया था। What's up everyone, welcome back अपुन का YouTube चैनल। तो कैसे हो सारे? आई नो काफ़ी हद तक आप बोर हो रहे होगे और काफ़ी टाइम से हम लोग घर पे एक साथ ही रह रहे, फैमिली के साथ, कहीं पर हमें बाहर जाने का चांस नहीं मिल रहा है, किसी के साथ मिलने का चांस नहीं मिल रहा है, कुछ खाने के लिए चांस नहीं मिल रहा, खाने के लिए मतलब बाहर का, होटल का, या ऐसे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे मतलब हमें नहीं मिल रही है। हर किसी को हम लोग मिस कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स लोग को, हमारे मम्मी पापा, जो कोई हमारे बाहर है उनको मिस कर रहे हैं। तो कितना टाइम हम टीवी देखेंगे और कितना टाइम हम लोग मोबाइल देखेंगे? गेम कितना टाइम खेलते हो आप लोग? खेलते खेलते वही उसमें कैसा दिन जा रहा है कुछ समझ में आ रहा है। मैं तो गेमिंग वगैरह में ऐसा कुछ अपन तो पहले से ही दूर है, गेमिंग वगैरह का तो अपने को इंटरेस्ट ही नहीं है। और अपन ने तो अपना सोच के रखा है कि अभी हमें अभी डेली का मतलब ब्लॉग भी करना है, डालना है, अपलोड करना है, अभी उसमें हमें अभी थोड़ा मतलब बिजी रहना है। मुझे तो अभी मैंने तो वैसे ही सोच के रखा है कि अभी जितना दिन अभी मैं मतलब घर पर रहूँगा उतना जितना हो सके उतना मैं मतलब ब्लॉग बनाऊँगा, कुछ नया नए अच्छे तरीके से सीखूँगा, अपने एडिटिंग में थोड़ी बहुत चेंजेस करूँगा, काफ़ी सारे मतलब चेंजेस कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें इस टाइम पर हम सीख सकते हैं और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत कुछ करना है। तो आज से मैंने अभी सोचा है कि आज से मैं अभी अपने घर पे वर्कआउट स्टार्ट करूँगा, भले मेरे पास ना कुछ डंबल है ना कुछ बेंच, मतलब जिम का तो कुछ सामान है ही नहीं, तो देखते हैं कि मतलब एक घर में हम बैठे बैठे मतलब जिम में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। मैं थोड़ा मतलब ऑनलाइन सर्च करूँगा, देखूँगा कि हम घर पर बिना डंबल के, बिना रॉड के, बिना बेंच के, बिना जिम के हम लोग घर में कैसे जिम कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात, अभी मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। एक्चुअली कल जैसे मैंने मतलब मेरा ब्लॉग डाला, उसके बाद मेरी बहन ने ये वाला ब्लॉग देखा, तो उसने मुझे बताया था, राहुल मुझे कोरोना के मतलब सिम्टम्स मिले हैं और मैं अभी हॉस्पिटल में मतलब मुझे ट्रीटमेंट के लिए रखा गया है। तो मैं भी भाई थोड़े टाइम के लिए डर गया, मैंने बोला कि ये क्या हो गया बीच में, मतलब शॉक हो गया था मैं तो। और आप है ना, मैंने उससे बात भी किया, उसने मुझे कुछ हॉस्पिटल के और उसके थोड़े मतलब वहाँ के ना उसने मुझे ना छोटे मोटे मतलब उसने वीडियो क्लिप्स भेजे हैं, वो आप एक बार देख लेना और मतलब ये वीडियो के बाद में आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद उसने मुझे कॉन्टेक्ट किया तो उसने मुझे बताया ये सारी चीज़ें, तो वो आप वाला पार्ट आप देख लो और सुन लो कि किस तरीके से मतलब ये सिचुएशन उसके ऊपर आई है और उसने किस तरीके से वो सिचुएशन से वो बाहर आई है। तो आप एक बार वो देख लो वाला पार्ट और बाद में अपन मिलते हैं। तो अभी जो मतलब अभी मैं ऑन कॉल पे मेरी जो मतलब मेरी सिस्टर है, वो आप उनका ना मतलब एक बार सुन लो कि वहाँ पर किस तरीके से उनको ना वहाँ पर ट्रीट किया जाता था, उनको ना मतलब केयर की जाती थी, तो आप एक बार देख लो। हाँ अर्षदा बोलो अभी। पहले मेरे पापा को हुआ था, और पापा पुलिस में है ना काम को, तो उनको हुआ था पहले, और फिर उनको पहले टेस्ट किया था तो नेगेटिव आया था उनके पुलिस डिपार्टमेंट से, और फिर उनको पूरा एक हफ्ते बाद उनको बुखार आने लग गया, इसलिए फिर हम लोग ने खुद से टेस्ट करवाया तो उनका पॉजिटिव आया था। तो फिर मैं और मेरे डैड कस्तूरबा हॉस्पिटल चले गए थे, तो उधर फिर हम लोग को एडमिट करके लिया और हम लोग को फिर उधर ट्रीटमेंट चालू कर दिया। तो फिर मेरा भी टेस्ट किया, फिर इसके लिए मेरा भी पॉजिटिव आया था। तो फिर उधर कस्तूरबा हॉस्पिटल में सब अच्छे से था, खाना वगैरह सब देते थे, मेडिसिन देते थे, चेकअप करते थे, टू टाइम आके चेकअप करते थे, तो सब फैसिलिटीज था वहाँ पे अच्छे से, और सब फ्री में था, ऐसे नहीं कि हम लोग को पैसा देना पड़ा एक ग्रुप है। अच्छा। सब फ्री में उन लोगों ने गवर्नमेंट ने दिया था, तो ओवरऑल अच्छा था कि हम लोग ट्रस्ट कर सकते गवर्नमेंट के ऊपर। तो अभी तू ठीक है ना अच्छे से? हाँ, मेरे को कल ही छोड़ा है हॉस्पिटल से। अच्छा, अभी घर पे हूँ मैं, रिकवर हो गया मैं और मेरे पापा रिकवर हो गए हैं, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और पापा वगैरह भी ठीक है ना?
पापा भी ठीक है। अभी अभी हम लोग को घर पे ही 7 days क्वारंटीन रहने को बुलाया है। अच्छा। हाँ हाँ ठीक है। तो और बाकी के मतलब मम्मी और बहन को ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना? नहीं, उनको सिम्टम्स नहीं है इसलिए उनको कुछ टेस्ट वगैरह भी नहीं बोला, और उनको कुछ सिम्टम्स ही नहीं थे। हम लोग को सिम्टम्स थे, फीवर था, लूज मोशन थे थोड़ा, और कफ था, कफिंग हो रहा था, और फीवर बहुत आ रहा था। फिर कोरोना हो जाता है तो मुँह का एंड इसका टेस्ट भी चला जाता है, टेस्ट नहीं आता कुछ किसी का भी, और स्मेल भी हम लोग क्या करें समझ में नहीं आता। हाँ क्या मतलब तुझे कैसे पता चला कि तुझे मतलब सिम्टम्स मतलब आने लगे और ऐसा मतलब तुझे होने लगा? मेरे को फीवर आ रहा था सबसे पहले स्टार्ट में। हाँ बहुत फीवर था इसलिए, और पापा का टेस्ट करने दिया था प्राइवेट में, तो फिर 3 दिन तक टाइम था। अच्छा। तो वो 3 दिन में मेरे को भी फीवर आ रहा था। ओके। ऐसे हुआ था। फिर पापा का पॉजिटिव आया और मुझे भी सेम सिम्टम्स हो रहे थे पापा के जैसे, इसलिए फिर हम लोग ने डिसाइड किया हम लोग दोनों भी जाएंगे हॉस्पिटल में, और फिर हम दोनों को भी एडमिट करके ले लिया था वहाँ पे। अच्छा। तो मतलब अभी पापा और तुझे भी छोड़ दिया है ना? हाँ हम दोनों भी घर पे आ गए अभी। अच्छा। तो मतलब अभी पापा जॉब पे जा रहे हैं या घर पर ही है? हाँ हम लोग दोनों घर पे हैं, और हम लोग दोनों सेपरेट हैं और क्वारंटीन है 7 दिन के लिए। अच्छा। घर पे भी। चल अच्छे से टेक केयर कर लेना। हाँ चलेगा। ओके चल मैं बाद में तेरे को कॉल करता हूँ, मैं अभी बाकी का कंटिन्यू करता हूँ। ओके चल। हाँ बाय टेक केयर। तो हाँ भाई आपने सुन लिया उसका ऑन कॉल रिकॉर्डिंग, तो क्या सिचुएशन उनके ऊपर मतलब बीत रही होगी और कैसे मतलब अभी तो फिलहाल ठीक है अच्छे तरीके से, मतलब अभी वो घर में तो अभी फिलहाल क्वारंटाइन उनको 7 दिन के लिए और रखा गया है। उसने ना मुझे ना छोटे मोटे मतलब वहाँ के ना क्लिप्स भेजे हैं किस तरीके से उनका ना मतलब केयर किया जाता था, उनकी दवाई वगैरह, वो ना आप एक बार देख लो, और आपको तो अभी तो पता चल गया रहेगा कि हमें कैसे मतलब सिम्टम्स पता चलते हैं। आपको ना मतलब काफ़ी फेक न्यूज़ आती रहेगी कि अरे यार हमें ना मतलब देखा नहीं जाता है, हमें बराबर मतलब ट्रीट किया नहीं जाता है, हमें हमारी केयर की नहीं जाती। हाँ कहीं ना कहीं मतलब ऐसा हो रहा है, 30-40% कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मानता हूँ मैं ऐसा मतलब किसी के अपोजिट नहीं हूँ कि नहीं भाई तू गलत ही बोलता, ऐसा कुछ नहीं है, सही बात है कि मुझे भी काफ़ी सारे मतलब वीडियोस वगैरह आए मैंने भी देखे, तो उसमें ना मुझे भी पता चला कि हाँ कहीं ना कहीं मतलब है ना कोई ना कौन से हॉस्पिटल मतलब केयरलेस कर रहे हैं, और मतलब उनका ना मतलब जो टाइम जो ज़्यादा ले रहे हैं ना वो हद तक ले रहे। जैसे उसने मुझे बताया था कि जब भी मुझे सिम्टम्स वैसे मतलब हर्षदा को जैसे सिम्टम्स हुए थे तो उसको 24 आवर्स में उसका ना जो रिपोर्ट है जल्द से जल्द आ गया, और उसके पापा का 3 दिन के बाद आया, तो इसके वजह से थोड़ा मतलब उनका जो और सिम्टम्स है वो बढ़ गए रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो वो ठीक है अच्छे से मतलब है, उसने मुझे बताया था। अभी मैं भी शौक हो गया था भाई ये क्या हो गया अचानक से, तो उसने मुझे बताया था कि राहुल मैं ना मतलब तेरे ब्लॉग में मतलब बताना चाहती हूँ कि मतलब किस तरीके से ना उन लोग ट्रीट करते हैं, किस तरीके से हम लोग की केयर करते हैं, किस तरीके से मतलब डॉक्टर हम लोग को देखने के लिए आते हैं हर टाइम, मतलब अच्छे से मतलब उन्होंने जो मतलब जो पहना हुआ है वो आप एक बार है ना वो क्लिप सारे के सारे देख लो, वो आपको पता चल जाएगा कि मतलब किस तरीके से वहाँ पर है ना मतलब ट्रीटमेंट किया जाता है। सो अभी ये सारे अपने क्लिप्स देखने के बाद आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे तरीके से मतलब समझ में आया होगा कि हाँ भाई अच्छे तरीके से मतलब वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा लगा होगा तो ये आपको फैमिली लोग के साथ, फ्रेंड्स लोग के साथ ये लोग शेयर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है, और ऐसा कुछ होता है तो जल्द से जल्द अपने नज़दीकी हॉस्पिटल डॉक्टर के पास मतलब ये सारी चीज़ें बताते जाओ दिखाते जाओ, तो इससे हम भी सेफ़ रहेगी, हमारा फैमिली भी सेफ़ रहेगा, और जिस जगह में हम रहते हैं उस जगह का भी सारे का सारा एरिया सेफली रहेगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम जल्द से जल्द मतलब ठीक भी होते जा रहे हैं,
और हाँ कहीं ना कहीं मतलब बढ़ रहा है, पर तुम्हारा माइंडसेट ऐसा रखो कि हाँ हम लोग ठीक भी हो जाएंगे, बी पॉजिटिव, कोई टेंशन मत लो, तो ठीक है। ओके अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, तो ये वीडियो को आप यहीं पर ही रुका देते। ब्लॉग कैसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, जितना हो सके अपने फैमिली लोग के साथ, फ्रेंड्स लोग के साथ जितना हो सके ये मतलब वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि इसमें ऐसा दिखाया गया है कि ये जो चीज़ें हो रही है ये मतलब सही तरीके से हो रही है, और किसी को डरने की कोई बात नहीं है। और जैसा ये ऐसे कुछ सिचुएशन हमारे ऊपर या आप फैमिली के ऊपर या अपने फ्रेंड्सों के ऊपर ऐसे कुछ चीज़ें आती है, तो इस चीज़ से हम बाहर निकल सकते हैं, तो कोई डरने की कोई बात नहीं है। तो ठीक है, फिर अपन अपना ये ब्लॉग यहीं पर एंड कर देते हैं। अच्छा फिर, तो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करके बता देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर, जो भी नया है सब्सक्राइब कर देना। भाई अपना बर्थडे आ रहा है अपने को 1K करने का, और मैंने तो ठान के रखा है अपना जब तक 1K नहीं होता तब तक अपन अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसे जिस दिन अपना 1K कंप्लीट होगा उसी दिन अपन अपना बर्थडे और 1K का केक, 1K सब्सक्राइबर का केक उसी दिन अपन काटेंगे। तो ठीक है फिर, तो जल्द से जल्द आप सब्सक्राइबर बढ़ा देना, अच्छा लगेगा, मैं मेहनत करते जाऊंगा, आप लोग का प्यार मिलते जाएगा। तो ठीक है फिर अपन मिलते हैं अच्छा खासा एक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए फिलहाल बाय बाय, हाई फाई।